मायावती ने अमेरिकी अखबारों में भारत विरोधी विज्ञापन पर जताई चिंता। मायावती ने कहा अखबारों का खंडन ही नहीं समाधान भी है जरूरी। बसपा प्रमुख मायावती ने अमेरिकी अखबारों में छपने वाले भारत विरोधी विज्ञापनों को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा उन्होंने भूख सुन चिकाक सहित विश्व संगठनों की भारत संबंधी निगेटिव रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि इन खबरों का खंडन करने के साथ ही समाधान भी करना जरूरी है। राज्य और केंद्र सरकार को सही नीयत और नीति से काम करने की जरूरत है। वहीं आपको बताएं, आगे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ट्वीट करके केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, अर्थव्यवस्था भूख सूचकांक में भारत की स्थिति पर निगेटिव रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। आगे मायावती ने रुपए का अनवरत अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, चरमराती अर्थव्यवस्था, बदतर भूख सूचकांक सहित विश्व संगठनों द्वारा भारत संबंधी निगेटिव रिपोर्ट के बीच अमेरिकी अखबार में भारत विदेशी विज्ञापन आदि चिंताजनक हालात पैदा कर रहे हैं, जिसका खंडन ही नहीं बल्कि सही समाधान भी जरूरी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्मित भारत का कल्याणकारी, समता मूलक व मानवतावादी संविधान दुनिया के लिए आज भी आदर्श होने के बावजूद भारत की वैश्विक इमेज जिस प्रकार से प्रभावित हो रही है वह दुखद है। चिंता की बात है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को सही नीयत व नीति से काम करने की जरूरत है। वहीं आपको आगे बता दें कि हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। वहीं केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक की यह माप गलत है, इसमें कई गंभीर मेथोडोलॉजिकल दिक्कतें हैं। बता दें कि साल 2021 में भारत 101 स्थान पर था।